अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी गोश्त। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा। इसके लिए हमने गोश्त लिया है तकरीबन 1.25 किलो, प्याज ली है हमने पूरी 1 पाव, हरा धनिया लेंगे हम 2 से 3, हम हरी मिर्चें लेंगे और नींबू लेंगे हम लास्ट में। इसके अलावा भिंडी मैंने 3 पाव ली है, इसे धोकर मैंने इसके हेड एंड टेल को रिमूव कर दिया। दही लिया है मैंने 1 पाव या 1 प्याली। इसके अलावा हम लेंगे इसमें पिसी हुई मिर्चें 2 टेबल स्पून, हल्दी है हमारे पास 1/2 टेबल स्पून, और इसके अलावा जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें है अदरक लहसुन पेस्ट 2 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, घर के नमक, और साबुत गरम मसाला है हमारे पास, इसमें 1 बड़ी इलायची है हमारे पास, 2 से 3 लौंगे हैं और दालचीनी है हमारे पास। इसमें हम टमाटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। और इसके अलावा मैंने जो गोश्त लिया है वो मैंने चिकनाई वाला और हड्डी वाला लिया है, आप चाहें तो इसमें रूखा गोश्त भी यूज़ कर सकते हैं। तेल मैंने इस कप से नाप के 1 कप तेल लिया है। ऑयल गरम करके हम इसमें भिंडियों को फ्राई करेंगे, बस इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर ख़राब ना हो और इसका लेस जो है वो ख़त्म हो जाए। फ्राई करके हम इसे निकाल लेंगे, ये देखिए इस तरह से हम इसको नॉर्मल आंच पे फ्राई कर लेंगे और इसको हम निकाल लेंगे। भिंडियाँ फ्राई हो चुकी हैं, अब मैं इसे निकाल रही हूँ। तकरीबन मैंने 3 पाव भिंडियाँ ली थी जिसके हमने सिर्फ हेड और टेल को काटा है। अब इसी ऑयल में हम प्याज शामिल कर देंगे जो कि मैंने 1 पाव ली थी। प्याज शामिल करके हम इसे अच्छी तरह से पिंक होने तक फ्राई करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें साबुत खड़ा गरम मसाला भी डाल देंगे। और अब हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे जो कि मैंने 1/4 किलो चिकनाई वाला लिया है। चिकनाई वाले गोश्त और हड्डी वाले गोश्त का जायका हम लोगों को बहुत पसंद है। आप लोग चाहें तो इसमें अपनी मर्ज़ी से रूखा गोश्त भी शामिल कर सकते हैं। गोश्त को हम इतना भूनेंगे कि इसका अपना जो पानी है वो खुश्क हो जाए। और इसमें हम हल्दी भी शामिल कर देंगे, यहाँ पर हल्दी गोश्त के साथ ही शामिल करने से ये होता है कि जो गोश्त की एक हीक होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये देखिए हल्दी जो कि मैंने 1/2 टीस्पून ली है इसको मैं शामिल करूँगी और इसके साथ ही इस गोश्त को अच्छी तरह भूनूंगी मज़ीद। अब मैं इसमें अदरक लहसुन पेस्ट भी शामिल कर दूंगी। हल्दी और अदरक लहसुन पेस्ट जो है इससे गोश्त की बेसन भी ख़त्म हो जाती है और इसका जायका भी मज़ीद बढ़ जाता है। अब हम इसे खूब अच्छी तरह भूनेंगे। ये देखिए गोश्त भूनने के बाद मैं इसमें बाकी के तमाम मसाले एक साथ शामिल कर रही हूँ जो कि ड्राई मसाले हैं। अभी दही मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। मसाले शामिल करके मैं इसे मज़ीद थोड़ा सा मिक्स करूँगी। अभी मैं इसे मज़ीद नहीं भूनूँगी क्योंकि मुझे इसे दोबारा से भूनना होगा। जब मैं कुकर को बंद कर दूँगी गोश्त गल जाएगा, उसके बाद मैं इसे एक दफ़ा दोबारा भूनूँगी। ये देखिए मसाले को मिक्स करने के बाद हम इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल करेंगे और फिर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए जब ऑयल ऊपर आने लग जाएगा तो फिर मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। ऑयल हमारा तकरीबन ऊपर आ रहा है और मैंने इसमें पानी शामिल करा है 1 गिलास, आधा गिलास इसमें था और आधा गिलास में मज़ीद पानी शामिल कर रही हूँ। ढक्कन ढक के यानी प्रेशर लगा देंगे इसमें और जब गोश्त गल जाएगा इतना हम इसको पका लेंगे। ये देखिए गोश्त मेरा गल चुका है, मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल दिया था और अब मैंने इसमें 1 कप दही शामिल कर दिया है। तेल भी देखिए ऊपर आ गया है और अब मैं इसे भूनूंगी खूब अच्छी तरह से। मसाले को हम अच्छी तरह भूनेंगे कि तेल ऊपर आ जाए। और जब हमारा गोश्त भी हमारा गल चुका है, जब हमारा गोश्त और मसाला अच्छी तरह भून जाएगा तो हम इसमें भिंडियाँ शामिल कर देंगे क्योंकि गोश्त को हमने गला लिया था। भिंडियाँ तकरीबन हमारी गल चुकी होती हैं, एक भाप में अब ये पक जाएंगी। जब हमने इसे ऑयल में फ्राई किया था तो भिंडी काफ़ी हद तक हमारी पक जाती है, लेकिन हमें इतना नहीं पकाना होता कि भिंडी का कलर ख़राब हो जाए। ढक्कन ढक के हम इसे भिंडी गल जाने तक पकाएंगे। भिंडी हमारी गल चुकी है, इसे मैंने डिश आउट कर लिया। इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला और भुना कुटा जीरा शामिल किया है और आखिर में नींबू का रस भी हम इसमें शामिल करेंगे। सर्व करते वक्त भिंडी गोश्त हमारा तैयार है। अगर आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।